नमस्कार, मैं शर्मा जायसवाल एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। महाराष्ट्र में जिस तरह से कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है, इसी को लेकर राज्य सरकार द्वारा मिनी लॉकडाउन लगाया गया था। वहीं कल अचानक से आयुक्त द्वारा सभी दुकानों को बंद करने का आदेश दिया गया था। इस वक्त मैं उपस्थित हूँ राधा कृष्णा होटल के पास। आज यहाँ पर बहुत सारी तादाद में सभी व्यापारी इकट्ठा हुए हैं, आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं इस विषय पर। सर, आज आप सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या वजह है? मैडम, हम लोग का नाला सपारा जिला एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ मैं, केसर सिंह मेरा नाम है। और हम लोग को देखो, जो लोन होता है वो भरने को नहीं हो रहा, गवर्नमेंट माफ करती क्या उसका? कोरोना हमारे ज्वेलर्स वाले और कपड़े वाले का ही ज्वेलर्स का कोरोना लग रहा है कि हम लोग कोरोना बेचने के लिए नहीं बैठे हैं। और अभी मिठाई की दुकान चालू है और बाकी रोड पे जितनी पब्लिक चालू है, व्हीकल सब चालू है और चाय वाले भी चालू है। भाजी मार्केट में सुबह में आप देखो इतनी गर्दी होती है, दुनिया भर की बैठी है। रैली में कितनी पब्लिक आ रही है, वहाँ कोई कोरोना नहीं होता है। और ट्रेन चालू है अभी कोरोना, देखो आप सुबह जाके देखो कोरोना में इतनी गर्दी होती है ट्रेन के अंदर, कोई उसकी कोई अपना ये नहीं है। और हमारे मैं दुकान के अंदर मेरा स्टाफ था, मेरे लड़के थे दो, कोई कस्टमर नहीं था। और ये लोग फर्जी अपना बिजनेस लगा के 200-200 रुपए का पैसा वसूल करने का धंधा लगा के रखा है ये लोग ने, नगर पालिका वाले ने बिजनेस लगा के रखा है। और पुलिस प्रशासन इसका सपोर्ट कर रही है और उसका कोई इश्यू नहीं है। और इसके अंदर कोई ना तो सिग्नेचर है, ना उसका कोई सिग्नेचर है, ना कोई कुछ भी नहीं है। कितने रुपए का फाइन है इस पर? 200-200 रुपए का हमारा पावती फाड़ के ये लोग लेके जा रहे हैं बिगर वसूली। और इनका सब व्यापारी लोग बहुत परेशान है और हम लोग का बिजनेस चालू को बंद कराया गया है। आप भारी तादाद में व्यापारी इकट्ठा हुए हैं। दुकान बंद नहीं करेगा, हम क्या करें? भारत तोड़ा कितने से करे, क्या करना है करो, फिर वो उसका गवर्नमेंट का नहीं बोला है। सरकार क्या कर रही है? अभी मेरे को शैलेश नगर ये इंस्पेक्टर से बात हुआ, उन्होंने बोला है कि आज का दिन आप मीटिंग चल रहा है, आज के दिन के लिए आप रुकिए, कल से जो होगा नया आदेश आपको दिया जाएगा। एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, दो महीना बंद करेंगे, कोरोना कायम कर जाएगा, लिखित दे हमको कि इसके बाद हम नहीं कोरोना लॉकडाउन लगाएंगे। आदमी कहाँ से घर चलाएगा, खाएगा क्या? घर का भाड़ा, लाइट बिल, मेंटेनेंस, आदमी का पगार, दुकान का भाड़ा सब कहाँ से देगा? आयुक्त द्वारा ये आदेश दिया गया कि सुनवाई है कि 15 दिन में कोरोना जाएगा, तो ये लिखित दे हर व्यापारी को कि हाँ भाई 15 दिन में हमारा कोरोना चल जाएगा। क्या बंद करने का मतलब है? ये बंद करना गलत है, हर आदमी बंद करना, ट्रेन लोकल ट्रेन चालू, बस में इतना भीड़ आप देख सकते हैं। सिर्फ बिजनेस वाले को ही तकलीफ है, हर चीज मिठाई का दुकान चालू, बाहर भाजी वाले, इतना भीड़ लग रहा है हर जगह। जिस तरह से सभी दुकानों को बंद कराया गया है, इस पर आज भारी तादाद में व्यापारी इकट्ठा हुए हैं, आक्रोश जता रहे हैं, इस विषय पर आप क्या कहेंगे? अभी सुबह सुबह में आए थे बंद करवाने के लिए, तो मैं बोला हम लोग अंदर अच्छे से बैठी है करके, माल भी बाहर नहीं निकला, तो हम लोग को बैठने तो क्या फर्क पड़ता है? अच्छे 7 आदमी का पेट भरता है, लाइट बिल भरने का, मेंटेनेंस भरने का, कैसा करेंगे? पहले वीक में ऐसा चल करके बैठेंगे तो सब लोग इतना सारा भाड़ा है, मेंटेनेंस है, लाइट बिल में माफी नहीं है, गर्भपति माफी नहीं है, किसी चीज में माफी आज तक 1 साल में मिला नहीं है। और आदमी को ऊपर से अलग से मास्क की पावती ये बनाओ, उसकी पावती अलग बनाओ, कहाँ से लाएगा आदमी? लोग कहाँ से लाएंगे? गरीब जनता कहाँ से लाके भरेगी? मंत्री ने कितना मदद किया इसमें? कौन से मंत्री ने कितना सहयोग दिया है? लॉकडाउन पूरी तरह से लगाए या नहीं? बिल्कुल नहीं चाहिए लॉकडाउन, चाहिए ही नहीं। आम आदमी आप लोग बढ़ते हैं, हर आदमी केयर करके घर चला रहा है, हर आदमी केयर करके चल रहा है, तब लॉकडाउन नहीं होता है। लॉकडाउन याद नहीं आता, गरीबों की गरीब है, रिक्शा बाइक सब बंद होना चाहिए ना। अरे लॉकडाउन की वजह से एक गरीब आदमी मर रहा है, कोई दूसरा आदमी नहीं मर रहा है, कोई नेता को कोई तकलीफ नहीं होती। सरकार का कहना ये है कि जिस तरह से कोरोना वायरस बढ़ रहा है, इसको इस पर रोकथाम लगाने के लिए देखो हकीकत एक चीज लिखते ले लो, जिंदगी और मौत भगवान के हाथ में, इंसान के हाथ में नहीं है। लेकिन इतना मरा तो खाली महाराष्ट्र में ही 40,000-45,000 केस खाली महाराष्ट्र में, बाकी स्टेट में क्यों नहीं है? मतलब महाराष्ट्र सरकार कुछ नहीं कर रही है ना? क्या चलो आए भी नहीं? कुछ दिनों पहले
आज सरकार द्वारा चेतावनी दी थी कि लोग सावधानियां बरते नहीं। गुजरात में पर डे 2500 केस, पंजाब में 2500 से 3000 केस, यूपी में इतने केस, खाली महाराष्ट्र में 45000 केस गाते आ रहे। सरकार का नाम आया इसके लिए ना, अभी सरकार का नाम आया इसके लिए ना, पब्लिक मर रही है वो नहीं देख रही है। 100 करोड़ का घोटाला हुआ इसके लिए, 100 करोड़ का घोटाला किया मोदी सरकार जाके इतना इलेक्शन कर रहे हैं वहाँ पे नहीं हो रहा कुछ नहीं। जो गरीब मर रहा है, जिनके घर पे खाने के तक वांदे हैं, उनका क्या हाल होगा? एक महीने पहले कोई भी नहीं था, जब भी राज्य सरकार ने बोला कि तुम्हारे पास ये वाजिब जगह का नाम आया, उसके बाद ही अपने पास 40000-45000 केस है। एक महीने पहले कहाँ थी सरकार का कहना है कि कोरोना पर रोक लगाई, एक महीने में ही सब आ गया, बाकी सब कहाँ थे इतने दिन? वैक्सीन कहाँ गया? नौकरी खोया मैंने अपना, अभी क्या करूँ? भीख मांगू? नौकरी खोई, दुकान बंद हो गई, अभी क्या भीख मांगू रोड पे? बीबी बच्चे को लेके कौन देगा भीख? अरे सब आदि भिखारी हो गए, खुलेगी दुकान बंद करने से घास लेट डाल के कुछ चलना पड़ेगा? दुकान है खुलेगी, मतलब खुलेगी, दुकानें बंद नहीं रहेगी। दुकानें बंद रहने में हमको फांसी खाना पड़ेगा या तो मरना पड़ेगा? दुकानें हम लोग खोलेंगे, मतलब खोलेंगे। क्योंकि आम जनता हमसे, हमने उनसे बातचीत की कि जिस तरह से दुकानों को बंद कराने का आदेश दिया गया है, वही सभी व्यापारियों ने कहा कि वो दुकानें तो खुलवा कर ही रहेंगे, उन्हें सरकार से कोई भी सुविधाएं प्राप्त नहीं करवाई जा रही है। सरकार लॉकडाउन लगाती है मगर उन्हें सुविधाएं प्राप्त नहीं कराती है। अभी के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।